जब आप आए मंच पे, आने से पहले आप जब मिले तो लगा कि एक बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात हो रही है, बड़ा आदर का भाव है। देखिए मैं एक बात बताऊं, राजनीतिक में हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सिद्धांतों की बात करें, मैं कभी इस बात में विश्वास नहीं करता, मेरे विपक्ष के सभी नेताओं से अच्छे संबंध है। अगर अखिलेश यादव मिलते हैं तो मेरी उनसे भी नमस्ते हैं, जयंत चौधरी मिलते हैं तो मेरी उनसे भी नमस्ते हैं, कोई भी हो, हमारे व्यक्तिगत संबंध, हमारी कोई लड़ाई थोड़ा है व्यक्तिगत के, हम लड़ते फिर या वो आपस में एक दूसरे, ये विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई जनता के द्वारा लड़ते। मैं तो लोगों को भी हमेशा कहता हूँ, जब किसान आंदोलन चाहे, जब विपक्ष के नेताओं को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि नहीं, हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, हम एक दूसरे पर व्यक्तिगत लाछन ना लगावें, हम आराम से राजनीति करें, लोगों भी ना लड़ें। मैं तो कहता हूँ लोग भी हमारे लिए ना लड़ें सड़कों पर उतर के, ठीक है जिसके पक्ष में वोट देनी वोट पक्ष में दे। कटु सवाल पूछने से पहले एक अच्छा सवाल पूछ लूं, संजीव बालियान के बारे में प्रसिद्ध है कि ये हफ्ते में दो दिन मुजफ्फरनगर की जनता को देते हैं, इसी वजह से अजीत सिंह की लहर हो, जयंत चौधरी की लहर हो, ये पूरी लहर हो, फिर भी ये चुनाव जीतते हैं, तो ये जनता के बीच में रहने उनके प्यार का ही, उनके आशीर्वाद का नतीजा है कि आप इन आंधी और तूफान के बीच भी चुनाव जीत जाते? निश्चित रूप से। देखिए बड़ा टफ क्षेत्र है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है कि हम कितना भी अच्छा काम कर लो हमें वोट नहीं देता, तो जो बचा हुआ है उसे बचा कर रखना, उसे बचा कर रखने का एक ही तरीका है कि 24 घंटे जनता के बीच में रहो। और देखिए जिस दिन हम जनता के बीच में रहने का जो हमारा शौक है जज्बा कम हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ उस व्यक्ति को राजनीति छोड़नी चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, पॉजिटिव काम करने चाहिए। आप पॉजिटिव सोच के साथ काम करोगे तो आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे, रास्ते आसान हो चुके। लेकिन एक सवाल है, मुजफ्फरनगर से एक चुनौती आपके सामने आ रही है, हरेंद्र मलिक राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि 8 बजते संजीव बालियान को चुनाव हरा दूंगा साहब। अब मैं क्या कहूँ, एक तो उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का भी लगाता नहीं, हाँ लेकिन अब इन्हें देखना है कि 6 चुनाव तो लगातार लोकसभा के लड़ चुके हैं, अब 7वें चुनाव में वे 8 बजे हराएंगे तो हर चुनाव में पिछले भाषण उठा कर देखो तो 6 के 6 लोकसभा चुनाव में सुबह 8 बजे हरा रहे थे सबको। ये तो तय जनता को करने दीजिए ना, ये तो जनता तय कर लेगी कि 8 बजे किसे हराती है किसे नहीं हराती। और देखिए चुनाव होना है, सामने कोई ना कोई आना है, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव निरोध हो जाएगा भाई, विपक्ष कोई ना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगा, कोई भी आए, मुझे अपनी पार्टी पे भरोसा है, लोगों पे भरोसा है। संजीव बालियान जी, चूंकि उनका हौसला इसलिए बढ़ा है कि अभी निकाय चुनाव हुए हैं, मुजफ्फरनगर में जो निकाय चुनाव थे 10 सीटें थी भाई, 2 नगरपालिका की, 8 नगर पंचायत की, उसमें एक सीट, केवल एक सीट आपकी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी 1 नगरपालिका मुजफ्फरनगर शहर की जीती है, बाकी 9 की 9 हार गई है, तो ऐसे में उनका हौसला बड़ा है, विपक्ष का हौसला बड़ा है, और क्यों हार गए भाई, आप तो सत्ता में हैं, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था लोकसभा का, तो जब ऐसी बुरी तरीके से हार हुई है तो फिर डगर पनघट की तो बड़ी कठिन है ना आपके। अगर उनके ये गलत फहमी है तो ईश्वर उनकी गलत फहमी रहने दे, इन 9 के 9 में 2024 में भी 2014 में भी आ रहा और 2019 में भी आ रहा, 2017 में भी आ रहे और 22 में भी इन सब कस्बों में आ रहे, उसका कारण यह है कि कस्बे माइनॉरिटी बहुल कस्बे हैं, ये हमें कम वोट मिलती है। मैं तो खुद भी 2014-19 में 9 के 9 आ रहा था, अब वो अगर वो गलत फहमी के शिकार हैं तो रहने दो, क्या दिक्कत है उन्हें, इससे समीकरण अपने बनाना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।